बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। या अब्दुल बासित, वर्कबुक आ चुकी है, सबको मिल गई वर्कबुक? नीचे भी खत्म हो गई, वापस मंगवाई भी थी। खैर, कल आ जाएंगी, और भी आ जाएंगी और आपको भी मिल जाएंगी। सही है, खाली एक दिन का टाइम दे दो। सही है जी, ऑनलाइन वालों, मैं आप तक भी पहुंचवा दूंगा। मैं आज उसको खुद कॉल कर लेता हूँ, बोलता हूँ कि स्टेटस क्या है। सही है जी, ये कर लेता हूँ मैं। सेट है भाई? अच्छा यार, एक होमवर्क दिया था मैंने, एक या दो होमवर्क। अच्छा जी, किसी का सोल्यूशन मैच हुआ? हो गया था, सोल्यूशन दे दिया था मैंने। एक वीडियो अपलोड की थी क्वेश्चन नंबर 5 की, फिर उसका पीडीएफ भी दिया था और क्वेश्चन नंबर 6 भी। मैं लिंक वापस शेयर कर देता हूँ बुक का। चलें जी, ओके जी, बेहतरीन है। वीडियो नहीं थी तो क्या दिया था? वीडियो दी तो थी एक क्वेश्चन की, और एक गलती से उसने बोनस का कॉन्सेप्ट कर दिया था, वो उसकी भी वीडियो आ जाएगी। सही है जी, मैंने कमिट किया है कि भाई हर होमवर्क का भी वीडियो सोल्यूशन होगा, तो वो भी मिल जाएगा। सही है, चलिए जी, मैच हो गया था। अच्छा जी, मेरी वर्कबुक में कभी जगह खत्म हो जाती है तो छोटा छोटा लिखना है थोड़ा सा, एक आध जगह ऐसा होगा, बाकी नहीं। अब मैंने ये अपनी राइटिंग के हिसाब से बनाया था। सही है जी, तो आप उसमें थोड़ा सा एडजस्ट करें। हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी है इधर। चलें जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, अब बिस्मिल्लाह करते हैं एक मुश्किल कॉन्सेप्ट की। होपफुली आपको इक्विटी सिक्योरिटीज में कोई मसला नहीं होगा, ऐसा ही है। चलें जी, एक एक करके हल्का हल्का रिवाइज करते हैं, फिर डेट सिक्योरिटीज पे लेके आता हूँ। बोनस का कॉन्सेप्ट बाकी है। अच्छा, बोनस का कॉन्सेप्ट ना तुम्हारी स्टडी टैक्स में, ना आज तक एग्जाम में आया, मैं एडिशनली करवाऊंगा। पहले हम वो चीजें कर लें जो हमारे कोर्स का पार्ट है। सही है जी, फिर बोनस का कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरी खुद की मस्ती है। सही है जी, इधर अब मुझे एक बात बताएं, हमने ये सीखा था कि जो इन्वेस्टर है वो कितने तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? दो तरीके की, इक्विटी सिक्योरिटी। चलें, अब मैं अगर ये कहूं कि मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो आप कहेंगे कि जो इन्वेस्टर है उसने इक्विटी सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं। अच्छा, जैसे ही आपने कहा कि इक्विटी सिक्योरिटीज एक्वायर की हैं, उसको रखने के कितने मॉडल हैं? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू, वेरी गुड यार। अच्छा जी, एक और बात बताओ, जब मैं कह रहा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, सही है, ये कब होगा? जब लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा, अगर लॉन्ग टर्म है तो बेच नहीं सकते, गेन या लॉस कहाँ जाएगा? और अपॉन सेल, अपॉन सेल रिडेन, कैश आएगा और कहाँ चले आएगा? अच्छा, फॉर द ईयर का या आज तक का? वेरी गुड यार, बस ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, जब मैं कहता हूँ कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आ गया मैं, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे मैं इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे रिकॉग्नाइज करूं? फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट, फेयर वैल्यू प्लस। अच्छा, वो एक्सपेंस आउट, वेरी गुड यार। चलिए जी आगे, फिर मैंने कहा था अगर मैं अपनी सिक्योरिटी को सब्सिक्वेंटली फेयर वैल्यू पे लेके जाऊंगा, तो क्या मैं किसी भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कंसिडर करूंगा? ये सब कब होगी? खरीदते वक्त। वेरी गुड यार, खरीदूंगा तो पैसे दूंगा ज्यादा, बेचूंगा तो पैसे मिलेंगे। बस यार, वेरी गुड, ये याद रखना है। जब मैं कहता हूँ फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल है, इनिशियली किस पे रखूंगा? फेयर वैल्यू पे, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे नहीं होगी, एक्सपेंस आउट होगी। वेरी गुड यार। अच्छा, सब्सिक्वेंटली किस पे रखूंगा और चेंजेस कहां से? अच्छा, अगर मैंने कुछ बेच भी दिया तो क्या कोई गेन ट्रांसफर होगा या ऑलरेडी रिटेन्ड अर्निंग में होगा? और मैंने आपको एक चीज सिखाई है शॉर्टकट के नाम पे, कि डबल ट्रिपल एंट्रीज नहीं बनाना, सिंपल जब बेचोगे तो पैसे ले आना। बात याद है ये? चलें जी, अब एक और चीज सीखें, ये भी बात मुझे समझ आ गई। फिर मैंने ये कहा था कि आपको बनाने होंगे बैलेंस शीट के एक्स्ट्रा, क्योंकि आपका ये रिपोर्टिंग का पेपर है। मैंने कहा था बैलेंस शीट में सिर्फ वो वाली इन्वेस्टमेंट रहेगी जितने शेयर आपके पास मौजूद है, या तो ओसीआई में गेन होगा या तो रिटेन अर्निंग में, पीएनएल से होके जाएगा। यहां तक कोई मसला? चले जी, हमने ये सीखा था। हमने ये कहा कि भाई अगर इन्वेस्टर कोई कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो अकाउंटिंग क्या होगी, वो सीख ली, खरीदना भी सीखा, बेचना भी सीखा। और मैंने कहा था कि जब जब ट्रांजैक्शन होगी, लाजमी नहीं है कि पिछले शेयर्स को आके क्या करो, रीवैल्यू करो, साथ साथ बोलोगे, जब जब ट्रांजैक्शन होगी
हम क्या पिछले शेयर्स को रीवैल्यू करेंगे? हम कब करेंगे? सेल्फ रिपोर्टिंग डेट पे। देखो बात तो वही है ना, दो चंक्स में एंट्री बनाओ या एक ही बनाओ, बात एक ही है, बस ये बात याद रहेगी ना। चले जी, बेहतरीन है। अब हमने ये कहा कि भाई वही जो हमने स्लाइड देखी थी अपनी, इन्वेस्टर को डर लग गया। इन्वेस्टर ने बोला देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करूं तो मेरी शेयर प्राइस कम हो जाए, ऐसा है? चलिए जी आगे सुने। एक और रिस्क है, डिविडेंड ना मिले। कितने रिस्क हो गए? तो फिर ऐसा बंदा जो पैसे रख के बैठा हुआ है, तो क्या इसको रिटर्न कमाने का हक नहीं है? कोई और रास्ता नहीं है क्या? डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर लेना, ऐसा ही है। अच्छा भाई, डेट सिक्योरिटीज में अगर मैं इन्वेस्ट करूं ऐसे ही, ये बाबू है इन्वेस्टर, सही है जी? अच्छा, अब जब ये बंदा इसको पैसे देगा तो ये डेबिट क्या करेगा? कैश हो जाएगा क्रेडिट, डेबिट क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट। तो भाई पहले भी तो इन्वेस्टमेंट हो रही थी, उसको हम कहते हैं शेयर ऑफ अनदर कंपनी, अब क्या कहेंगे? राइट टू रिसीव कैश। पर वो है क्या? फाइनेंशियल एसेट, और फाइनेंशियल एसेट के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट है। याद आ रही है पहली क्लास? हमने बिल्कुल बेसिक बेसिक से लेकर चले ताकि हमें जार्जन समझ आए। चलिए जी, ये अपने पास एक एंट्री बनाएगा इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और अपनी याद दहानी के लिए हम लिख देते हैं कि ये होगा मेरा राइट टू रिसीव। सिंपल कहानी है। चलें जी, ये जो इश्यूअर है, प्लीज सुनिएगा ये बात, ये जो इश्यूअर है इसके पास आ जाएगा कैश, सही है जी? ये क्रेडिट कर देगा अपने पास फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब इसको डिबेंचर पेएबल कह सकते हो, बॉन्ड पेएबल कह सकते हो, व्हाटएवर द केसेस, हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसके पास से पैसे चले गए, उसके पास पैसे आ गए। अच्छा जी, तो हमने इसके पास पैसे रखवाए किसी इंटरेस्ट के अगेंस्ट में किसी टर्म के लिए, वो सबूत कैसे लाऊं? सिक्योरिटी इशू करेगा, उस सिक्योरिटी का नाम क्या है? डेट सिक्योरिटी। अब आपको ये कहा जाता है कि भाई इस कागज के पन्ने को कोई भी नाम दे दो। हम क्या ये कह सकते हैं? ये बॉन्ड हो सकता है, टीएफसी कह सकते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, ऐसा ही है। चलिए जी, क्या हम कह सकते हैं? डिबेंचर। भाई कोई भी नाम दे दो, ये सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी कहलाएगी? अच्छा, अब क्या मैं ऐसे ही तुम्हें समझाने के लिए ये बात कह सकता हूं, मैं अगर बीइंग एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो मैं उस कंपनी का मालिक बन जाता हूं, उस कंपनी में मेरा शेयर आ जाता है, सही है जी? मेरी डिसीजन मेकिंग में कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है। पर अगर मैं डेट सिक्योरिटी की बात करूं तो मैं जो पैसे देता हूं मुझे रिटर्न तो मिलेगा, पर मैं उस कंपनी का मालिक। क्या इक्विटी और डेट सिक्योरिटी में फर्क समझ आया? वेरी गुड यार, ये हम सीखने जा रहे हैं आज, कौन सी सिक्योरिटी? इक्विटी। अच्छा, पर अब मुझे एक बात बताओ, हमने सबसे पहले पिक किया है इन्वेस्टर को, हम इसकी बात कर रहे हैं इन्वेस्टर की। अब मैं तुमसे एक और बात पूछूं कि अब हमें जो अकाउंटिंग सीखनी है वो किसकी सीखनी है? इन्वेस्टर की। पर कौन सी सिक्योरिटी? वेरी गुड यार, अब ये इन्वेस्ट करने जा रहा है डेट सिक्योरिटी में। अच्छा, इक्विटी सिक्योरिटी में अकाउंटिंग के कितने मॉडल थे? फेयर वैल्यू थ्रू। अच्छा जी, वेरी गुड। अब एक एक करके देखते हैं। यहां पे वो कहता है कि जब भी आप डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पास यहां पे भी अकाउंटिंग क्या होंगे? मॉडल होंगे, जो कि अभी सीखना है। पहले वो कहता है, अच्छा ये है मुश्किल तो मैं अपने तरीके से बताऊंगा इसको, बिल्कुल आसान आसान करके सिर्फ अल्फाज समझाऊंगा। जैसे पहले समझाया था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का, तो उसमें भी समझानी है एक बात।
हमने सबसे पहले पिक किया, ये कहता है आप इसको रख सकते हो, दूसरा आ गया, अच्छा भाई अब अगर आज के बाद मैं तुमसे पूछूं कि मैंने किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज परचेज की है, मना है? अच्छा जी, जब मैंने किसी कंपनी की डेट सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो मुझे अलाउड है कि मैं उसको कितने मॉडल्स पे रख सकता हूं? पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा जी, अब एक एक करके मेरी बात सुने और समझे आप लोग। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीए का मतलब आपको पता है, रखूंगा चेंजेस, वेरी गुड यार। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का आपको मतलब पता है, रखूंगा चेंजेस। अच्छा, इन दो के मतलब पता है, पहले का मतलब मुझे नहीं पता। यही टेक्निकलिटी है, अगर ये सीखा तो इसका अमल दखल आगे भी है, इसका अमल दखल उसमें भी है। तो पहले मैंने अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब समझाना है ना वेरी लॉजिकल वे। तो आप लोगों ने 100% अटेंशन देनी है क्योंकि इसका ही सवाल आता है इन दोनों को रिलेट करके 8 मार्क्स का। मैं तुम्हें सिखाऊंगा 4-4 सालों की एंट्री, सवाल में बोलता है 1 साल की एंट्री बना के दे दो 8 मार्क्स, सिर्फ 1 साल की एंट्री मांगता है, दैट्स इट। तो मैं फिर कह रहा हूं तो उसको सुकून से सीखना, फ्री के नंबर होंगे ये एग्जाम के अंदर, आओ देखते हैं। अब अमोर्टाइज कॉस्ट को मैंने पिक किया, तो टू कीप इट वेरी सिंपल आपको सिर्फ अभी मेरे साथ ये चीज याद रखनी है, मैं अभी ये नहीं बता रहा कि ये वाला मॉडल कब यूज होगा, मैं ये नहीं बता रहा दूसरा कब यूज होगा, मैं ये नहीं बता रहा तीसरा कब यूज होगा, पर क्या ये आपको इक्विटी सिक्योरिटीज में पता है कब कौन सा यूज होगा? अच्छा जी, यानी सर अभी जो मैं पिक कर रहा हूं सबसे पहले वो कौन सा? अमोर्टाइज कॉस्ट पिक कर रहा हूं, और मैं पहले बताऊंगा इसका मतलब क्या है साथ साथ, इसका मतलब और इसका मतलब क्या है अकाउंटिंग के साथ साथ बताऊंगा, पर ये नहीं बताऊंगा कि यहां कब आएंगे, वहां कब आएंगे, वहां कब आएंगे, ताकि क्लियर रहो भाई, क्लियर है? प्लीज यहां तक कॉपी कर लो आप। डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के 3 मॉडल्स हैं, ये प्लीज ये 3 कॉपी करेंगे बस आप। हाँ? नहीं, ये हर चीज तो नहीं लिखी होगी ना, क्या? हाँ तो जो उसकी जगह खाली है नीचे, उसके नीचे तो लिख सकता नहीं ये? घर में एक पलंग है। हाँ हाँ हाँ, तेरे लिए एक ही है ना। हाँ जी बताऊं क्यों, फिर ऊपर डाल दो, सही है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है ओनली। नहीं नहीं भाई, क्या हो गया भावेश, नशा किया है क्या? अकाउंटिंग तो सिखाई नहीं है, अभी मैंने सिर्फ ये कहा है कि डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो कितने मॉडल अलाउड है मुझे, 3 मॉडल अलाउड है, अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, पीएनएल। मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या सिखा रहा हूं, मतलब सिखा रहा हूं उसका। चलें जी, प्लीज अटेंटिव इधर। अच्छा, अब मैं समझाऊंगा, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा, लिखना नहीं रिक्वेस्ट है, सिर्फ समझो आज, आज गेम समझने का है, सही है जी? ये डेट सिक्योरिटी समझ आ गए, फ्री के 8 मार्क्स 9 मार्क्स हमारे हो जाएंगे, तो प्लीज आपने सुनना ही है मेरी बात, सही है जी? कुछ चीजें यहाँ पे समरी बनाऊंगा साथ साथ।
मैंने अभी सिर्फ इसका उर्दू में मतलब लिखा है, जो कि तुम्हें अभी मतलब मैंने ही समझाना है ना, खाली मैंने इसका उर्दू तर्जुमा लिखा है जो मेरी नजर में ये है, जो मैंने बैंकिंग सेक्टर में भी देखा। ये सुनिएगा, इसका मतलब ये है कि जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, अभी सिखाऊंगा। जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी या एडिशनल अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस मॉडल को क्या कहूंगा? अभी सिखाया नहीं है, मैंने सिर्फ इसको उर्दू में तर्जुमा किया है जो मेरी नजर में, और मैं प्रूफ करूंगा कि यही इसका मतलब है। सही है जी, मैंने क्या बोला वापस से, कोई तुमसे आज के बाद पूछे अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब क्या है, तुम उसको ये जवाब दोगे कि कोई भी एडिशनल कॉस्ट होगी या एडिशनल अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसका मतलब है। अब इसको लिखें, जब जब मैं बोलूंगा तब लिखना, आपने लिखा इसको जल्दी से, लिख लिया? जी ये वाला, अच्छा ये जो बंदे बनाए थे ये तो बने हुए पहले ही हमारे पास, ये भी लिखी हुई है हमारे पास, डेट सिक्योरिटी वगैरह स्लाइड है, टेंशन नहीं। ये नाम ये लिखना है, ये लिख लें, देख लिया भाई? क्या कह रहे हैं? चले जी, सुधी लग रही है, कह रहे अच्छा जी, अब प्लीज फोकस इधर 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 इधर, हमने इसका मतलब लिख दिया, अभी इसको अप्लाई करना है, प्लीज सुकून से इधर फोकस के साथ। हमने किया ये कि सर यहाँ पे एक दो चीजें लिख रहा हूं, इसको हम कहते हैं कुल मिला के भाई कूपन रेट। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देता हूं, मैंने उसके आगे लिख दिया रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशोर, ये सारे जार्गन्स हैं IFRS 9 के, तुम्हें उससे वाकफियत के लिए लिख रहा हूं यहाँ पे, सुनना। मैंने ये कहा कि भाई मैंने किसी बंदे को पैसे देने हैं, मैंने कहा 1 मिलियन मैंने आपको दिए, आपने इसके अगेंस्ट में मुझे लिख के दे दिया कागज के पन्ने पे कि आकाश ने आपको 1 मिलियन दिए हैं, फ्री में दिए हैं, या रिटर्न मिलेगा? अच्छा, जो सामने वाला बंदा अपने मुंह से बकवास करेगा कि तुम्हें इतना परसेंट दूंगा, उसने कहा 10%, तो ये क्या है? रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर। बात समझ आई? मैंने कहा मैंने पैसे दिए, उसने कागज के पन्ने पे ये कहा कि हाँ मैंने आपसे इतने पैसे रिसीव किए, इतना रिटर्न आपको मिलेगा, तो उसको इसकी जबान में कहते हैं कूपन रेट। सही है जी, यहां तक कोई पंगा? इसको कॉपी करें बिल्कुल एक एक वर्ड। बिल्कुल मुनीब, आप सही कह रहे हैं कि ये हुआ इंटरेस्ट, पर इसको हम IFRS 9 की जबान में या मार्केट में बैंकिंग सेक्टर में उसको कूपन कहते हैं। तब जब बैंक के ऑडिट पे जाओगे तो तुम्हें बोलेंगे कूपन इतना ऑफर हो रहा है, तो उसका मुंह नहीं देखना अजीब सी शक्ल बना के, ये वो होगा जो रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर है, जो इशूअर रेट देगा, बिल्कुल ऐसा ही है। IRR का मतलब है एक्चुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर। अच्छा जी, अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन करनी है क्योंकि टेक्निकलिटीज यहाँ से शुरू होंगी। सुनिएगा यार, आइडियली जो सामने वाला बंदा मुझे कह रहा है कि मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, वो क्या है?
तो आइडियली ये और वो सेम होने चाहिए ना, क्यों कम कैसे हो सकता है, ज्यादा कैसे हो सकता है? आप सुने, आप सुने, आप एक एग्जांपल दे रहा हूं, पिक करने की कोशिश करना, वरना एग्जांपल तो है ही ना दूसरी भी, सुनिएगा बिल्कुल सुकून से। मैंने पैसे दिए, सही है जी, सामने से मुझे लिख के दिया गया कि निशा आकाश प्रोवाइडेड 1 मिलियन रुपीज फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10%। दिस 10% क्या है? ये रहा कूपन रेट आ गया। अच्छा जी, अगर मैं अपने इंटरनल कंपनी के एनालिसिस करूं, तो मैंने, आपको नहीं लगता जब पैसे ट्रांसफर किए होंगे तो ब्रोकर ने कमीशन भी चार्ज किया होगा? नहीं, हाँ डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि ये बैंकिंग के जरिए अरेंजमेंट होती है। तो बैंक बोलेगा क्या मैं फुफी कर रहा हूं तुम्हारी कि मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे इसको ट्रांसफर करूं, या कमीशन चार्ज करेगा? अच्छा, उस कमीशन को चार्ज जब वो करेगा, तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस सेंस लगाते हैं, अभी अकाउंटिंग को भूल जाओ एक मिनट, उसकी अकाउंटिंग सिखानी है ना मैंने, बाकी बिजनेस तो तुम सीखोगे एमएफए और कॉस्टिंग के अंदर, उसकी अकाउंटिंग मैंने सिखानी है। अब सुनिएगा, पर वहां से लिंक करना लाजमी है। मैंने ये कहा कि मैंने 1 मिलियन दिए, 10% का रिटर्न, मैं लोगों को आइडियली क्या कहूंगा, मैं कितने कमाऊंगा? 10% कितने कमाऊंगा? इन दिस केस कूपन इक्वल्स टू IRR, इन दिस केस कूपन इक्वल्स टू IRR। अच्छा जी, बैंक वाले बाबू ने ये कहा कि भाई तुम जो 10%, देखो कॉमन सी बात है ना, एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल सुकून सुकून से बोलूंगा ताकि सबके दिमाग में फिक्स हो जाए। 1 मिलियन दिए हैं, 1 मिलियन का रिटर्न कितना? 10% कितना हो गया? 1 लाख। कितने सालों के लिए? बेहतरीन यार, 3 सालों के लिए मैंने पैसे दिए हैं 1 मिलियन, ये 1 मिलियन तो वापस आ जाएगा। क्या आप ये बात मानते हैं कि ये 1 मिलियन जो गया और वापस आया, दिस इज नॉट अ रिटर्न, दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज, भाई ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो ये बात क्लियर है, जो पैसे गए आए वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है। अच्छा, मैंने ओवर एंड अबव कितने कमाए? इस 3 लाख को परसेंटेज वाइज कितना बोलूं? 10%, 30 नहीं, 10%। इस रिटर्न को परसेंटेज वाइज कितना? 10%। अमाउंट वाइज 7 साल बोलोगे, परसेंटेज वाइज, अमाउंट वाइज 3 लाख। वेरी गुड, यार आपके सामने इसी पे लग रहा है ना 10%। अच्छा जी, अब तुमसे बॉस पूछे कि यार मुझे एक बात बताओ, तुम कितना कमा रहे हो सिक्योरिटी पे? तुमने बोला 10%, उसने बोला अमाउंट बताओ, तुम बोलोगे 3 लाख। पर ये मिसकम्युनिकेशन है, तुम उसको ये बोलोगे कि सर ये तो 3 लाख रुपए मैं तब कमाऊंगा जब मेरे पास से जाए 1 मिलियन, आए 1 मिलियन और 3 लाख वापस आ जाए, पर मेरी जेब से कॉस्ट भी लगेगी, जिसको मैं कहता हूँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या कहता हूँ? क्या कहता हूँ? अब तुम सोचो, दिमाग लगाओ, 1 मिलियन गया, 1 मिलियन, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए अगर आ गए, कुछ भी नहीं हो बीच में, रिटर्न कितना? 3 लाख, परसेंटेज में कितना? पर अब खुद एक दिमाग लगाओ कि अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी इंकर होगी, तो मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम 3 लाख कमाओगे या नेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट? तुम्हारा रिटर्न क्या हो गया? तो 3 लाख से अमाउंट वाइज कम हो गया, तो हाउ यू कैन से परसेंटेज भी सेम है? परसेंटेज भी क्या होगी? पर क्या मैंने तुम्हें उसके बारे में अभी कुछ बताया? नहीं। पर आपको क्या ऑनेस्टली ये बताओ, रिटर्न प्रोवाइडेड बाय इशूअर और एक्चुअल रिटर्न में फर्क समझ आया? एक्चुअल रिटर्न मेरा डेफिनेटली कम हो जाएगा जब मेरी जेब से ज्यादा पैसे लगेंगे। अब ऐसे भी नहीं कि 3 लाख से ज्यादा लग जाए, वो तो तुम इन्वेस्ट ही नहीं करोगे, लॉजिकल सी बात है। पर क्या एक बात आपको समझ आ रही है कि जो सामने वाला बंदा, जो इशूअर है, उसने मुझे कितना ऑफर किया? 10%। अगर मैंने 1 मिलियन दिया, आखिरी बार बोल रहा हूँ, 1 मिलियन दिया, 1 मिलियन वापस आ गया, दिस इज रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, 3 लाख रुपए आए, दिस इज रिटर्न, कितना परसेंट? पर मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इंकर की, तो वो 3 लाख रहा या कम हो गया? तो आप खुद भी तो लॉजिक लगाओ कि परसेंटेज वाइज रिटर्न भी क्या हो जाएगा। इसीलिए बैंक्स के अंदर या बड़ी कंपनीज के अंदर जब ये ट्रांजेक्शन होती हैं, तो इसके लिए निकाला जाता है इफेक्टिव रेट। क्या निकाला जाता है? उस इफेक्टिव रेट को मैं दूसरा नाम देता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्या देता हूं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब यह है कि वो रिटर्न तो साइड में रखो जो सामने वाला प्रोवाइड कर रहा है, देखो इंटरनली कितना कमा रहे हो, अपने हिसाब से कितना कमा रहे हो, उस अपने हिसाब से कमाने को मैं क्या कहता हूं? IRR। इसका फुल फॉर्म क्या है? बंगी IRR नहीं है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इधर। अच्छा भाई, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहता हूं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब वो कमाई जो मेरे हिसाब से, तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे सामने वाला बंदा जो तुम्हें ऑफर कर रहा है वो कमाई और तुम्हारी अपनी कमाई में फर्क हो सकता है? या ये तो अजीब सी बात नहीं है?
नहीं है, क्यों, किस वजह से? ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से, बोले तो एडिशनल कॉस्ट की वजह से, तभी तो कॉन्सेप्ट क्या था, अमोर्टाइज कॉस्ट। अभी आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर लगा, पहले बताओ ये बात समझ आई? सही है जी। अच्छा, अब आपने ये कूपन और आईआर लिख दिया, पक्की बात है। चले जी आगे, कुछ और बातें लिखते हैं ताकि हमें याद रहे। फेयर वैल्यू कैसे निकाली जाती है, सुनिएगा। फेयर वैल्यू ये वो सारे जायदाद जो तुम आगे जाके तंग करेंगे, मैं पहले ही बिछा रहा हूं यहाँ पे लॉजिक के साथ। अच्छा जी, ये हो गई एक बात, सुनिएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देता हूँ कि आप सर फेयर वैल्यू की क्यों बात कर रहे हैं, ये फेस वैल्यू क्या होता है, तो एक एक करके सुनते हैं। अच्छा, कुछ रिसीव करने के लिए एक्सपेंस को भी तो वेयर होगा, बिल्कुल ऐसा ही अब्दुल बासित साहब, आगे सुनिएगा। एग्जाम्पल, सामने वाला बंदा मुझे कह रहा है कि मैं आपको 10,000 बॉन्ड इशू कर रहा हूँ। कितने? 10,000 बॉन्ड इशू कर रहा है, तो वो डेट सिक्योरिटी है। वो कह रहा है मेरा एक बॉन्ड आइडियली 100 रुपए का है, तो 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 1,000,000। मेरी एग्जांपल कंटिन्यू थी, मैं जो मैंने कहा 1,000,000 दे रहा हूं, हाँ या नहीं? यस सर। आगे सुनिएगा, मैंने कहा कि मैं 10,000 बॉन्ड्स लेके आऊंगा उसके पास, सही, उसके पास से। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 10,000 पन्ने दे देगा तो कंधे पे डाल के घूम रहे हो, लिख के देगा एक ही कागज के ऊपर के 10,000 बॉन्ड इशू हुए, एक बॉन्ड था 100 रुपए का, एक बॉन्ड था 100। वेरी गुड। This 100 rupees means face value. This 100 rupees means, पहले बताओ जानी, सबको बात समझ आई है वाली? या देखो ये technical है, इसलिए मैं बिल्कुल ना अपने हिसाब से break करके लाया हूँ, उसको तो आसानी से समझ आएगा। सही है जी, this 100 rupees represent face value. अच्छा, मैंने 100 रुपए रखे उसकी टेबल पे, आइडियली मैंने कहा भाई 1,000,000 लो, 10,000 के हिसाब से, 10,000 बॉन्ड के हिसाब से मेरा रिटर्न कितना, 10%। फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट मैंने अपनी इंकर की, अकाउंटिंग अभी नहीं सिखाई, सीधी सीधी बात है। हाँ, अच्छा, जैसे बिलाल अहमद कह रहे हैं फेस वैल्यू कौन सा, वो पार वैल्यू जैसा ही है, यस। जैसे शेयर की क्या होती है, पार वैल्यू, बॉन्ड्स की भी क्या होती है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, यही है, ऐसा ही है। आगे सुनिएगा, अच्छा भाई, मैंने जैसे ही 100 रुपए टेबल पर रखे 10,000 बॉन्ड खरीदने के लिए, उसने बोला, सुनना मेरी बात, हम एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट में नाम है, अगर आपको हमारे पास इन्वेस्ट करना है, यू नीड टू पे सम प्रीमियम। मैंने कहा एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है भाई, प्लीज सुनिएगा। हाँ बिल्कुल अब्दुल बासित, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, पावर वैल्यू सब एक ही बात है। इधर अब सुनिए, इधर मैंने ये कहा 100 रुपए रखे, मैं पैसे देने ही लगा था, उसने बोला नहीं बाबू 10,000 मैं बॉन्ड इश्यू नहीं करूंगा, तुम अगर, प्लीज सुनना मेरी बात, मैं एक तो मार्केट में बाकी कंपनियों से अच्छा हूं, मैं रिटर्न में डिले भी नहीं करता, टाइम पे इंटरेस्ट तुम्हारी बुक्स में आ भी जाएगा, तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा। बोलेगा मुझे इससे क्या, बोलेगा तुझे इससे कुछ नहीं है, मुझे बहुत मसला है, मैं इतना अच्छा बिजनेस करता हूँ मार्केट में कि लोगों की रिलायंस है, तो मैं जो मार्केट में 100 रुपए की चीज देते हैं, मैं तुम्हें 102 की दूंगा। तो मैंने बोला कि यार ये क्या बात हुई, तो बोला कहीं और चले जाओ। मैंने मार्केट सर्च की, मैंने देखा बाकी कंपनी रिलायबल, हो सकता है मेरा पैसा डूब जाए भाई, हो सकता है ना पैसे लेके भाग जाए, निकल जाए भाई, डूब के तबाह हो गई कंपनी, में क्या कर सकता हूं? तो इसके लिए कंपनीज की रेटिंग होती है, कंपनीज की क्या होती है, A+, AAA, ये सारी चीजें, ये रेटिंग होती हैं। अच्छा, मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, अच्छी रेटिंग वाली, बुरी? अच्छा, अब मैं इन्वेस्टर बन के सोचूं ना, अगर मैं रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हूं, सुनिएगा मेरी बात, ये बहुत अहम बात है, एक मार्केट का डायनामिक्स दे रहा हूं ताकि समझ तो आए कि क्यों है, क्या है, वरना तो घटा तो 2 मिनट में लग जाएगा, इसका अकाउंटिंग भी खत्म हो जाएगी। मुझे जो बड़ी कंपनी होगी ना, रिटर्न कम देगी, छोटी कंपनी रिटर्न, रीजन क्या है इसके पीछे, वो रिस्की होगी, छोटी कंपनी क्या होगी, वो लोगों को घेरने के लिए बोलेगी आओ भाई हम उससे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जो बड़ी कंपनी होगी वो रिस्की, आते आओ निकलो दूसरे भी बैठे में। सही है जी, अब सुनना, मैंने क्या किया, 100 रुपए दिए, सही है, उसने मुझसे 2 रुपए और मांगे, किस नाम पे मांगे? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, लॉजिकल सी बात है, मैं अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को कैपिटलाइज करूंगा, अब इन्वेस्टमेंट का नाम क्या, डेट सिक्योरिटी, क्या नाम है? ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए सिर्फ इतनी लंबी कर रहा हूँ कि कोई तुमसे पूछे कि तुम फेस वैल्यू दोगे, बोलोगे यस, साथ साथ क्या दोगे, प्रीमियम। तो इनिशियल रिकॉग्निशन फेस वैल्यू पे होगी या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम?
फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल्स टू, बात समझ आई? क्लियर है ये वाली बात? जानी पीछे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो जल्दी से। मैंने आपको देखो शेयर्स का कॉन्सेप्ट तो पता है, डेट सिक्योरिटी से तो लिंक करना होता है ना, ये पूरे मार्केट के डायनामिक्स है जो मैंने सिखा दी है। आगे सुनिएगा, अभी बात क्या है, प्रीमियम क्यों देंगे? यानी अभी तो पूरी कहानी बताई। प्रीमियम इसलिए देंगे क्योंकि अच्छी कंपनी है, उसके डूबने के चांसेस कम है, तो अपने नाम के पैसे लेगी। सही है स्ट्रेटजी ये, इनिशियल रिकॉग्निशन। अच्छा एक आखिरी वैसी बात पूछ रहा हूँ, अकाउंटिंग सीखी अभी? खाली जायजन सीख रहे हैं, बातें सीख रहे हैं, इसमें क्या क्या आएंगे ताकि एग्जैक्टली दिमाग में चिपक जाए। चलो आगे एक और गेम, गुडविल के पैसे यू कैन से। आगे इधर इधर सुनिएगा जी। हाँ प्रीमियम डिपेंड करता है कि वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, इसकी बात से बात निकली है तो सुनो सब। अगर मैंने आज प्रीमियम दिया, हो सकता है वो प्रीमियम देने से मना कर दे बाद में वापस रिटर्न, वो बोले तुम्हें नाम के पैसे क्या ये भी एडिशनल कॉस्ट हो गई। नहीं आई बात ये समझ? देखो अब एक एक करके सुननी, आप गेम खेलते हैं समझ आया ना, मजा आया, अकाउंटिंग में नशा आई है कि सुनो। मैंने ये कहा 100 रुपए दिए, 100 रुपए वापस मिलेंगे, तो ये तो गए और कोई मसला नहीं। 3 रुपए का रिटर्न मिलेगा, ये इनकम है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगाऊंगा, कॉस्ट है, इससे रिटर्न क्या हो जाएगा? अब इसको सोचो, इसको सोचो, दिए 102 रुपए, वापस आएंगे 100 रुपए, 2 रुपए की और कॉस्ट हो गई। यानी सर आप कह रहे हैं आपकी अब एडिशनल कॉस्ट कितनी हो गई? एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दूसरी प्रीमियम। अगर वापस, बात क्लियर है? देखो लॉजिकल सी बात, इसी की तो अकाउंटिंग करनी है भाई, इसी की तो अकाउंटिंग करनी है, तभी इसका नाम क्या था, अमोर्टाइज कॉस्ट। इस कॉस्ट को क्या करना है, अमोर्टाइज करना है ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ। देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं उसका सवाल। इसने बोला सर आज मैं प्रीमियम दे रहा हूं, क्या देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वापस ना मिले? डेफिनेटली देर इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा होता भी है भाई। आज आप उसके नाम के पैसे ज्यादा दे रहे हो, वो बोलेगा मैं आपको सर कितने पैसे वापस करूंगा, 100 रुपए। आपके एडिशनल पैसे कितने लग गए? क्या आप इसको रिटर्न करोगे या एडिशनल कॉस्ट करोगे? और ट्रांजेक्शन कॉस्ट अलग से कितनी हो गई, पहले कितनी थी? एक। अच्छा अब खुद सोचो, ऐसे तुमसे सवाल पूछता हूँ, जवाब दे दिया तो मजा आ जाएगा। अच्छा एक एक करके पूछूंगा, इफेक्टिवली सोच के जवाब देना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने पैसे दिए, कोई प्रीमियम नहीं है, सही है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं है, कोपोन और आईआरआर सेम होंगे? सोच लो पक्का, क्योंकि जो अमाउंट में रिटर्न है वही परसेंटेज इक्वल है। वेरी गुड यार, आगे सुनो। मैंने प्रीमियम पे किया और प्रीमियम रिटर्न भी हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, सेम है कोपोन आईआरआर दोनों सेम है? वेरी गुड यार, बेहतरीन, आगे मतलब चीते हो, समझ आ रही है बातें। इधर अब एक और चीज, प्रीमियम नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कूपन ज्यादा होगा, आईआरआर, यानी मेरा इंटरनल रिटर्न खुद का। वेरी गुड यार, चलो एक और गेम खेलते हैं। मैंने कहा मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे की और प्रीमियम भी पे किया और प्रीमियम वापस, तो आईआरआर कम हो जाएगा। अच्छा पहले वाले से भी कम, कूपन से तो वैसे ही कम होगा। बताओ लॉजिक समझ आई? ये गेम है इसका पूरा, ये फेयर वैल्यू को कॉन्सेप्ट समझ आया? बात क्लियर है? प्लीज ये कॉपी कर लें, ये जो दो अल्फाज हैं बस मासूम से, हो गया? डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, सस्ता मार्केट से कम पे, सस्ती कंपनी में, ठगी हुई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम बोलो कि भाई पैसे चाहिए, तो तू वैसे ही भिखारी। लॉस में नहीं होगी, ऐसा लाजमी नहीं है, रिस्की कंपनी, तुम्हें तुम्हारे हिसाब से मार्केट में उसको कोई भाव नहीं डालता होगा, ऐसा सही है? अच्छा जी एक एक करके प्लीज, हाँ सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ इधर। सर इज इट पॉसिबल कि जितने डेट सिक्योरिटीज की इन्वेस्टमेंट की है उससे ज्यादा का प्रिंसिपल रिटर्न हो? हाँ रिटर्न प्रीमियम पे भी होता है, बिल्कुल होता है, वो हमारी एडिशनल इनकम हो गई। अच्छा तुमने आज 100 रुपए दिए तो मैं आखिर में 150 मिलेंगे, तो एक और एडिशनल इनकम हो गई। यस सर ये भी सीखेंगे आगे। अच्छा जी बिल्कुल, एक मिनट रुकिएगा सर। डेट सिक्योरिटीज की तरह इक्विटी सिक्योरिटीज में जो फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन का इनिशियल रिकॉग्निशन होती है, उसमें भी फेयर वैल्यू बिल्कुल ऐसा ही है सर। डिफरेंस बिटवीन कूपन रेट एंड हायर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एग्जैक्टली एडिशनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या ये सही कह रही है कश्यप? कश्यप कह रहा हूँ सॉरी करीम इधर। अच्छा क्या ये
वो हमारी बहन बार बार सवाल पूछती है, तो करीम सुनो, करीम भाई क्या कह रहे हैं, करीम भाई कह रहे हैं क्या डिफरेंस बिटवीन कुपोन रेट एंड आईआरएस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, सही है जी। ओके आगे, कुपोन अप्लाई होगा फेस वैल्यू पे, कैरिंग अमाउंट पे, अब ये अकाउंटिंग की तरफ हल्का फुल्का जा रहे हैं हम। अच्छा जी, कूपन रेट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन आईआरआर एंड आईआरआर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं रोहन, ऐसा भी केस करवाऊंगा जो कि ऑब्वियसली नहीं आया अब तक, कि कूपन कम होगा आईआरआर यानी आपकी एडिशनल इनकम भी होगी, जो उसने बोला है वो उसके अलावा भी कुछ पैसे देगा, वो आपको आखिर में प्रीमियम दे रहा होगा, सही, आगे सीखेंगे, पर अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ ना, आप कूपन और आईआरआर में फर्क समझ आ गया ना, पर वो है अभी आगे और उसमें चीजें ऐड हो जाएंगी। सर सिंपली मीन्स की एडिशनल कॉस्ट होगी तो आईआरआर कम हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चाहे एडिशनल इनकम की वजह से आईआरआर ज्यादा होगा, भाई ये भी बता दो एडिशनल इनकम की वजह से आईआरआर क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा, सही है जी, अभी करेंगे आगे ये, पर प्लीज अभी बिल्कुल सुकून से चले जी। अभी बताता हूँ कश्यप, ये लिख के बता रहा हूँ अभी कि कैरिंग अमाउंट पे क्यों, सही है जी। 100 देंगे तो 105 वापस मिलेंगे, अज्यूम कर रहा हूँ, तो 5 रुपए वो एडिशनल दे रहा है, ये कब होता है पता है, सामने वाला आपको घेरने के लिए बोल रहा है कि भाई आप मुझे पैसे, क्योंकि उसको ना प्रोजेक्ट की नीड है, उसको एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाना है, तो वो किसी भी तरीके से वो बोलेगा, इसकी एग्जाम्पल भी देता हूँ, वो अगर मार्केट में शेयर इशू करने जाएगा तो वो बोलेगा एससीसीपी में जाऊंगा, ऑथराइज कैपिटल को इंक्रीज कराऊंगा, टाइम लग जाएगा, डेट सिक्योरिटी दस्ती इशू हो जाएगी, तो उसने सामने वाले को घेरने के लिए क्या बोला, या तुम 100 रुपए दो मैं तुम्हें वापस कितने दूंगा, 105 और साथ साथ इंटरेस्ट भी दूंगा, सही है, तो ये चलता है मार्केट में। सर फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वाली बात बता दी, नहीं मैंने नहीं बताई बात, अभी बता देता हूँ, चलो उसमें कुछ है नहीं, इसका उल्टा है, देखो अन्ना आंसर, इसमें सिर्फ बात यह है कि मैंने कहा कि भाई ये कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं मैं, वो भीख मांग रही है मेरे सामने, भाई पैसे दे दो मुझे प्रोजेक्ट में लगाने हैं, मैं विलिंग नहीं हूं, मेरे पास 10 अपॉर्चुनिटीज हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल है यहाँ पे, कि अगर आपकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा स्ट्रांग है तो आप उससे 100 रुपए की चीज कितने में खरीदोगे, 95, 98, तो क्या ये डिस्काउंट पे ले लिया, आप खुद भी सोचो ना, किसी को ये बताओगे कि आपने 100 की खरीदी है या 98 की, तो आपको 2 का क्या मिल गया, तो आपके लिए फेयर वैल्यू क्या हो गई, 100 या 98, तो ये था माइनस हो क्या आ रहा है, क्लियर है, रिटर्न 100 पे मिलेगा, अभी यही तो सिखा रहा हूं, अभी सीखो, यही दूसरा कॉन्सेप्ट यही है, सही है जी, आगे सुने, क्लियर है, जल्दी बता दो भाई, तुम सब भी यहां तक कोई इशू तो नहीं है ना, एक एक वर्ड उठा के उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर अप्लाई करेंगे, चलें जी आगे, डिस्काउंट भी एडिशनल इनकम में आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है, चलें जी अब आगे, बिस्मिल्लाह करते हैं इसकी, अब एक एक करके सुनना है तुम लोगों ने, मैंने 102 दिए, कितने दिए 100, मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 102 कैरिंग अमाउंट कितनी, रिकॉर्ड तो 102 पे करूंगा ना, अच्छा जी वेरी गुड, 102 हो गई, अभी पूरा सवाल है इस पे, इसको अप्लाई करेंगे, खाली भी बातें कर रहे कि इसके जार्गन सीख लें, आ गया, मैं साल खत्म होते ही रिटर्न लेने पहुंच गया उसके पास, मैंने कहा बाबू 10%, उसने 100 रुपए पे चिपका दिया, कितने पे, तो मैंने बोला ये 100 रुपए पे जो 10% चिपकाया वो 10% क्या था, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, कूपन, ये था ना, अच्छा मैं अजीब सी शक्ल बना के देख रहा हूँ 10% को, फिर अजीब सी शक्ल बना के देख रहा हूँ कैरिंग अमाउंट को, मैंने बोला भाई ये कैरिंग अमाउंट है इस पे लगाओ ना, उसने बोला भाई मेरी बात सुन, ये 2 रुपए मेरे नाम के थे, इस अपने नाम के पैसे भी तेरे को पैसे दूं, ये कैसी बात हो गई, सुनो एक बात समझ रहे ना, कहानी कहानी में सीखनी अकाउंटिंग, भाई वो कह रहा है कि आपने मुझे 102 दिए, मैंने आपको उस दिन भी समझाई थी ये बात बहुत तसल्ली से बिठा के, कि 2 रुपए मेरे नाम के हैं, तुम मेरे नाम के पैसे दे दो, मेरे नाम के पैसे पे अपना पैसा बनाओगे, मैं 102 पे क्यों रिटर्न दूं, मैं रिटर्न कितने पे दूंगा, ये 2 रुपए मेरे, तो रिटर्न विल ऑलवेज बी प्रोवाइडेड ऑन फेस वैल्यू,
कूपन किस पे अप्लाई होगा भाई? ऑनलाइन वालों ये बात समझ आई, क्लियर है ये वाली बात? सेम इज द केस विद एक्विटी सिक्योरिटीज। डिविडेंड किस पे देता है? फेस वैल्यू पे, पार वैल्यू पे, प्रीमियम पे, ठीक है? वो उसके नाम के पैसे होते हैं, हमने एफ ए आर वन में बखूबी सीखा है, नाम के पैसे अलग, लगाए हुए पैसे अलग, क्लियर है ना? तो ये वही बात है भाई, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ये? दो पे प्रीमियम नहीं मिलेगा। आईआरआर क्या ये एक्चुअल रिटर्न था? आपको नहीं लगता कि आईआरआर जैसे भी कैलकुलेट हुआ होगा ये एडजस्टेड होगा? इसको किस पे लगाऊंगा? कैरिंग अमाउंट पे। दोनों में फर्क समझ आया? सही है जी। अब आईआरआर की कहानी थोड़ी सी और क्लियर होगी। सर आईआरआर वाली बात बताएंगे कैरिंग अमाउंट पे क्यों, वापस से बताता हूँ। तुमने अपनी कैरिंग अमाउंट में सारी चीजें कैपिटलाइज कर दी होंगी, सारी चीजें कैपिटलाइज कर दी होंगी, और तुमने अपने रेट को एडजस्ट कर दिया है। उस रेट की एडजस्टमेंट अभी सिखा रहा हूं, तो तुम्हें ये भी समझ आ जाएगा कि कैरिंग अमाउंट पे क्यों लगेगा। पर क्या ये बात समझ आया? कूपन किस पे लगेगा? फेस वैल्यू पे। आईआरआर किस पे लगेगा? अब सिर्फ ये पंगा रह गया हम सबके दिमाग में कि आईआरआर कैरिंग अमाउंट पे क्यों लग रहा है। अभी वो करा दूंगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई सवाल सिवाय आईआरआर के? क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, हुआ जल्दी बता दें, क्लियर है ये? अभी बता रहा हूँ आईआरआर का कैरिंग अमाउंट पे क्यों लगेगा। चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं, इसको हम यहां ले आते हैं। चलिए जी, ओके जी, इधर कंपनी परचेज 5000 डिबेंचर ऑन जनवरी 1, 2018 ऑफ रुपीज 100 ईच। 100 क्या है? वेरी गुड। कैरिंग अ रिटर्न ऑफ मोदी वाला ये 15% क्या है? पक्की सही कह रही है? वेरी गुड यार। अच्छा फॉर 3 years रिडीमेबल एट, अच्छा मतलब ये कहना ये चाह रहा है आपकी तसल्ली के लिए कि जितने पैसे दे रहे हैं उतने ही मिलेंगे ना, उससे ज्यादा तो, यानी आज जितने पैसे जा रहे हैं उतने मिलेंगे। वेरी गुड, आगे सुने। ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेड बाय द कंपनी 50,000। अच्छा भाई रिक्वायर्ड है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर ईच ईयर एंड इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। ये क्या होता है अभी यही सीख रहे हैं। इफ इफेक्टिव रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट इज, और जैसे सामने वाला कह रहा है मैं 15% दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपका रिटर्न 10% है, ये क्यों? अब हुआ ना चीज, आप समझ आ रही है बात की? अगर फाइनेंशियल में भी लोगों को देखोगे तो समझ आएगा, प्रोवाइडेड रिटर्न अलग होता है अपना रिटर्न, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ। अच्छा जी अब आगे सुने, बहुत ही ज्यादा अहम बात, प्लीज सुनिएगा। ये आ रहा है 10.9140, प्लीज सुनिएगा यार। मैं यहां पे अपनी तसल्ली के लिए एनालिसिस बना रहा हूं। अच्छा अब आप सिर्फ कैलकुलेटर अपने पास रखेंगे, प्लीज कॉपी नहीं करना, मतलब मजा आ जाएगा, कॉपी नहीं करना, सिर्फ समझो। अभी जितना कॉपी करना था मैंने बता दिया तुम्हें। मैंने कहा कि भाई हम इसको पैसे दे रहे हैं 100 into कितना 5 lakh पे रिटर्न कितना देगा वो फॉर 3 years। दो 25। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सर मैंने जब इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किए तो 5 lakh rupees किए, ये 5 lakh rupees मैंने 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किए हैं, इन 3 सालों में ये मुझे कितने कमा के देगी? 2.25। और ये 5 lakh, ये तो सर वापस आएगा ना, ये कमाई नहीं है। अच्छा भाई अगर मैं 2.25 कमाऊं तो मैं कसम खाता हूं कि रिटर्न 15% है, यही है ना? अगर 2.25 कमाऊं तो किसी को बोलोगे रिटर्न कितना है? 15% है। अच्छा जी पर क्या मैं वाकई इतने कमा रहा हूं? नहीं सर, हमारी एडिशनल कॉस्ट लगेगी। कितना आ गया मेरी एक्चुअल कमाई? ये ऐसा ही है भाई? अच्छा एक्चुअल कमाई मेरी अमाउंट में ही है, परसेंटेज में बताई हुई है कितनी? अच्छा अब सर जो यहां पे लेटे हुए होंगे घर पे वो सोचे होंगे यार ये परसेंटेज कैसे आई। सही है, पहली चीज आपके कोर्स का ये आईआर निकालना पार्ट नहीं, पहली चीज। फिर भी मुझे मस्ती है, मैं आखिर में सिखाऊंगा। सही है,
एनपीवी के तरीके से निकलती है ये, पर फिर भी आखिर में सीखेंगे। अभी मुझे खाली आपको प्रूफ करना है कि ये मेरा असल रिटर्न है। ये क्या है? अच्छा आप, मैं एक चीज कह रहा हूँ, पिक करना है इसको। क्या मैं कह सकता हूँ इस 10.9140 में 2.25 की इनकम शामिल है? अब आ रही आवाज? यानी अब आ रही आवाज? आ गई? ओके, इको आ रहा है? अच्छा जी, एक मिनट, ये क्या हो गया? ये कार बंद हो गया। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अच्छा जानी, अब बताओ, अब आवाज आ रही है? अब क्लियर है? अब सही हो गई होगी? हाँ डेफिनेटली सही हो गई। आ गई जी, ओके। इधर, अच्छा भाई प्लीज इधर फोकस करें, सॉरी भाई ये चार्जिंग खत्म हो गई थी इसकी। इधर, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, 10.9140 के अंदर 2.25 की इनकम का इम्पैक्ट है और 50,000 की एक्सपेंस है। अच्छा अब एक चीज बता रहा हूँ, पिक करना है, इसको प्रूफ भी करूंगा आगे। मैं पूरे 3 साल अकाउंटिंग करूंगा पूरे, और इनकम बुक करूंगा इस वाले रेट से, इनकम बुक करूंगा क्योंकि मेरा अपना रिटर्न तो ये है ना। सही है जी, इसको किस पे लगाऊंगा? कैरिंग अमाउंट पे। किस पे लगाऊंगा? मैं पूरे 3 साल अकाउंटिंग जब खत्म करूंगा ना, मेरी पूरे 3 सालों में इनकम रिकॉर्ड हुई होगी ये, पूरे 3 सालों में इनकम रिकॉर्ड हुई होगी ये वाली। अब मैं 2-3 कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ ताकि सवाल ही नहीं आए ना, ये तो एक्सपीरियंस है। सुनना, बच्चा सोच रहा होगा कि सर 50,000 को मैं अमोर्टाइज स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं कर देता जैसे डेप्रिसिएशन है? ऐसा ही है ना, जैसे अमोर्टाइजेशन है भाई, ऐसा तो दिमाग में आता है। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, उसके अंदर आपकी एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पीपी नहीं है कि खरीद लिया खत्म, ये रिटर्न की बात हो रही है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आपको इन्फ्लेशन भी तो इनकॉर्पोरेट करनी है। वो इन्फ्लेशन कहां पे इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? आईआरआर में। कहां इनकॉर्पोरेट हो चुकी है? अब आईआरआर जिस तरीके से इनकम बुक करेगा वो मैंने बतानी है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब ये बात क्लियर हो गई? यानी अब ये सवाल नहीं आएगा हमारे दिमाग में कि 50,000 को स्ट्रेट लाइन पे क्यों नहीं। भाई दिमाग में आया ना कि 50,000 को स्ट्रेट लाइन पे कर दो, अमोर्टाइज ही होगा ना, एक्सपेंस आउट ही होगा, पर वो मना करते हैं, वो बोलते हैं 50,000 को स्ट्रेट लाइन पे आप उसको अमोर्टाइज करना आईआरआर के जरिए। किसके जरिए? अभी मैं बता दूंगा, बस 2 मिनट की बात है कि आईआर के जरिए कैसे। सही है जी, आगे। ये 50,000 है तो एक्सपेंस ना, पर ये एक साल। अच्छा अब यहां से कनेक्टिविटी निकलती है, सुनना। आप सब मानते हैं कि ये 50,000 एक्सपेंस है। अच्छा ये 50,000 डे वन पे रिकॉर्ड करूं? गलत। इस इन्वेस्टमेंट से फायदा कितने साल होगा? अच्छा तो मैं 1 साल में रिकॉर्ड करूं या 3 सालों में? यही तो सिखा है, ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट लाइन पे आईएनआर के साथ, आईएनआर के जरिए। बात समझिए, वापस से रिपीट करते ताकि याद हो जाए। अच्छा मानते हो 50,000 एक्सपेंस है, डे वन पे एक्सपेंस आउट? एक साल में, दो साल में या 3 सालों में? ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेट लाइन पे या टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ? और वो कहां छुपी हुई है? वेरी गुड यार, बात समझ आई। चलिए जी, हमने कहा कि भाई आओ पहले दिन की अकाउंटिंग करते हैं, पहले देखें कौन सी डेट पे ये परचेस किए हैं। जनवरी 1, 2018। अच्छा भाई, इनिशियल रिकॉग्निशन, फेयर वैल्यू। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं इस वाले केस में फेयर वैल्यू और इक्वल है, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है। आपने किया ये कि सर 100 को 5,000 से मल्टीप्लाई किया।
अच्छा भाई, कोई आपसे ये पूछे कि आपने ये इन्वेस्टमेंट कितने की परचेज किया, आप बोलोगे 5 लाख या ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी दी है? ये आ गई 50,000, ये कितना आ गया? ये आ गई हमारी 50,000 क्या आ गए भाई? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, आप ये कह रहे हैं सर खुद कि आपने जो चीज एक्सपेंस आउट होनी चाहिए थी आपने उसको क्या किया है? कैपिटलाइज किया है। अच्छा, अब ये एक्सपेंस आउट होगी कितने सालों में? किसके जरिए? IRR के जरिए, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इम्पैक्ट शामिल है। अभी देखते हैं कैसे होगी, वो अभी बता दूं। इधर हमने सबसे पहली एंट्री बनाई इन्वेस्टमेंट डेबिट 5,50, यही है। ये कौन से दिन की एंट्री है? डे वन की, January 1, 2018, ऐसा ही है जी। अच्छा जी, अब पहले दिन की एंट्री बन गई ना, अब यहां तक कॉपी कर लें ये हिस्सा बस, सिर्फ ये कि हमने एनालिसिस किए, इतने कमान है, ये है पहले दिन की एंट्री हो गई है। जल्दी जी, हाँ कॉल ले लें। नहीं कॉल ये खत्म करा दो फिर। कश्यप असर की ब्रेक का क्या है? कैपिटलाइज किया ना, अभी तो एक्सपेंस आउट होगा। पीपी को क्या करते हो सबसे पहले? कैपिटलाइज करते हो, फिर क्या करते हो? एक्सपेंस आउट। तो वहां स्ट्रेट लाइन पे होता है। हाँ, अब यहाँ पे भी कोई तरीका है वो सिखा रहा हूँ अभी। जी जानी, अभी अभी जो हमारे पास रिटर्न आएगा ना नेट, वो 1.75 का आएगा। कितने सालों में? अभी बस इसकी एंट्री बनाऊंगा ना, तो मैं 3 सालों में ये प्रूव हो जाएगी बात कि किस तरीके से 1.75 का आएगा। सही है। अभी देखो, अभी इन्होंने भी यही पूछा, बताता हूँ। जो 50,000 रुपए आज भी जेब से लगे हैं ना, आज मैंने उसको बोला ये मेरा एसेट है, उसको क्या कर दिया मैंने? कैपिटलाइज कर दिया। अच्छा, पीपी जब खरीदते हो क्या करते हो उसको? फिर उसको बोलते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे उसको यूज करूंगा, और यूज करके कहाँ फेंक दूंगा? पीएनएल में। यहाँ पे भी पीएनएल में जाएगा, पर स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाएगा, किसी मैकेनिज्म के जरिए जाएगा, वो अभी सीखना है। सही है। यानी ये मेरी असेसमेंट है, दिस हैज नथिंग टू डू विद योर आंसर। ये असेसमेंट है मेरी। ये मैंने बताया कि कोई भी इन्वेस्टर, जैसे मैं अगर अकाउंटिंग एडवाइस देता हूँ या बिजनेस एडवाइस देता हूँ अपनी फर्म में रहते हुए, तो मैं ये एनालिसिस बना के देता हूँ, उसके पीछे वर्किंग होती है। अभी वो बताया था। सही है। स्क्रॉल डाउन कर दूं यार जी। बिल्कुल, एक्चुअल कमाई निकालने के लिए खाली एनालिसिस किए, इसको लेस किया है। सही है जी। आपकी अकाउंटिंग यहां से शुरू होगी। चले जी, होपफुली कॉपी हो गया होगा। नहीं हुआ, गलत होप्स हैं। असर का ब्रेक दे दूं? असर की नमाज नहीं पढ़ी तुम लोगों? अम्मी की कसम खाओ, किस किसने नहीं पढ़ी? अच्छा जी, अच्छा जी, चले। अब यार बस प्लीज देखो, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि कनेक्टिविटी में यार, इसलिए मैं एग्जैक्टली 6:20 पे मैं शुरू कर दूंगा कॉन्सेप्ट। 6:20 पे, सही है जी। 7 मिनट का ब्रेक है। सही है जी, जल्दी जाए, वजू करें, और जैसे ही सलाम फेर उड़ी आ जाना जल्दी।
ओके जी भाई, असर कब रहेगा ये? सही है, 7 मिनट्स, जल्दी। अबे गुसल तो नहीं करना ना, तेरे को नहाना है क्या? जान जल्दी। अब क्लियर है भाई? क्लास की टाइमिंग इंक्रीज कर दूं? नहीं नहीं, अभी तो तुम्हारा शुरुआत है, अभी तुम अभी तो राम हो जाओ। फिर वो बच्चा कह रहा है कि क्लास एक्सटेंड करते हैं। मैंने कहा आई विल, डेफिनेटली आई विल, बट नॉट नाउ। अभी थोड़ा सा तुम लोग, हाँ अभी उस वाले माहौल से है ना, एफ आई आर चुचू पापा जी है, ऐसा तो सीन नहीं है। वकास कह रहे हैं क्यों टाइमिंग सही नहीं है भाई, इतनी रियायती टाइमिंग है 5 से 7 बजे तक, 8 बजे तक। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी पहले एचबीएल था ना, अभी वह। हाँ जी, अच्छा कल परसों तक टाइम टेबल भी फिक्स हो जाएगा, अभी बात चल रही थी। सही है जी, मैं बता दूंगा कि भाई ये टाइम पे क्लास होगी, मेरी सलामत की जो भी एमएफ वगैरह के ना शेड्यूल मिल जाएंगे फिक्स। पक्की बात, सुबह वाली टाइमिंग वो भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 बजे तक, 2 बजे से तो वो पार्टनर को गोद में बिठा के यहाँ खोलना है, ऐसा नहीं होता ना यार। खैर वो भी कमिटमेंट है, ये भी इधर मेरी, मैं कल मंगवा दूंगा इंशाल्लाह। सही है, एक और आएगा ना इसका वर्जन, 2 आएंगी, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है। सही है जी, वो जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें सारे बेंचमार्क क्वेश्चन होंगे, बट वो थोड़े टाइम बाद। इधर चले जी, अब आवाज सही आ रही है भाई यानी, प्लीज बता दो माइक सही है अभी। अबे भावेश क्या हो गया तेरे को? इधर सही है सबके लिए, इधर। अच्छा जी प्लीज फोकस यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इधर देखिएगा। अच्छा भाई पहली एंट्री मैंने बना दी, मैं आखिर बार वापस से बता दूं आपको, प्लीज सुनिएगा। हमने किसी कंपनी को डेट दिया, उसके अगेंस्ट में बॉन्ड्स की सिक्योरिटीज ले ली एज अ सबूत के तौर पे। अब एक चीज सुनिएगा प्लीज, मैंने उसको फेस, जो उसको पैसे दिए हैं उससे फेस वैल्यू के हिसाब से दिए हैं, मैंने उसको प्लीज सुनिएगा कोई भी प्रीमियम नहीं दिया। तो इस केस में फेस वैल्यू और फेयर वैल्यू क्या है? इक्वल है। अच्छा अब एक बात सुने, मैंने बैंक को ये कहा कि भाई ये पैसे उसकी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, बैंक को कहा कि ये पैसे उस कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, बैंक ने कहा मैं तुमसे कॉस्ट चार्ज करूंगा कितनी, 50,000 की, जो तुम्हें देनी आज है। वो बोलेगा तुम्हारी अकाउंटिंग तुम 3 साल पे करो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, मैं अपनी अफसाफ से देखूंगा, मेरा बिजनेस है, तुम्हें मुझे पैसे देने, वरना मैं पैसे क्लियर नहीं करूंगा। हमने बोला सही है भाई, रोना धोना क्या मचाया भाई, ये लो 50,000 रुपए। मैंने कहा यानी सुनना मेरी बात, मैंने पैसे बैंक को दिए होंगे 5 लाख या 5,50,000, वेरी गुड यार, बैंक को 5,50,000 दिए होंगे, लॉजिकल सी बात है, ये देखो 5,50,000 दिए हैं। अब सुनना मेरी बात, मैंने कहा बैंक को मैंने 5,50,000 दिए, बैंक ने क्या किया होगा, 50 अपनी जेब में रखे होंगे और 5 आगे दिए होंगे, वो रिटर्न कितने पे देगा? 5,50,000 पे क्यों नहीं भाई, 50 तो बैंक के है ना भाई, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड यार, आगे सुने, मैंने कहा भाई 5 लाख उसकी जेब में चले गए, तभी हमने ये कहा था। अच्छा इवन तो प्रीमियम के पैसे भी उसको देता, प्लीज सुनना, प्रीमियम के पैसे भी उसको देता तब भी वो रिटर्न मुझे सिर्फ फेस वैल्यू पे देता, और मैंने लॉजिक भी दी थी कि वो प्रीमियम पे अपने नाम के पैसे पे मुझे कमाई नहीं देगा। वेरी गुड, आगे मैंने क्या किया यार, मैं फिर हिसाब किताब कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार 5 लाख रुपए मैंने उसको दिए, 50 बैंक को दिए, कुल मिला के 5,50,000 गए, तो एंट्री क्या बनाऊ? मैंने कहा पहले तो कैश को तिरा दो, कैश हो गया 5,50,000 से क्या क्रेडिट। अब मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करने लगा, मैंने बोला यार 5 लाख रुपए से डेबिट करूं या 5,50,000 से? अच्छा अगर 5 लाख से, प्लीज सुनना, 5 लाख रुपीज से अगर मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करूं तो फिर कहानी बच जाएगी 50 की, वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट से। फिर मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसको एक्सपेंस आउट करूं, आपने बोला नहीं कर सकते, इसका फायदा कितने साल हो गए, तो ये एक्सपेंस आउट भी, और ये पीपी तो है नहीं कि स्ट्रेट लाइन पे या रिड्यूसिंग बैलेंस पे, इसके अंदर शामिल है पैसा और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसको एक्सपेंस आउट तो होना है, तो कितने सालों में?
तीन सालों में, तो इसने आपको IFRS 9 ने एक मैकेनिज्म बता दिया अमोर्टाइज कॉस्ट का। आप इसको अमोर्टाइज करें ओवर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट किस रेट के जरिए, अभी मैं प्रूफ करूंगा, वो और चीज क्लियर हो जाएगी कि IRR के अंदर तुम्हारी इनकम भी शामिल है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस भी शामिल है। अभी मैं प्रूफ कर रहा हूँ ऑनलाइन, अगर तुम सब यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या किया, अभी इसको कैपिटलाइज कर दिया। तो स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि आप सबसे पहले जब भी डेट सिक्योरिटी खरीदेंगे आप फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे कैपिटलाइज करना, फेयर वैल्यू प्लस। आपने क्या किया, आपने जितने पैसे उसको दिए, जितने बैंक को दिए, कुल मिला के आपकी कॉस्ट कैपिटलाइज हो गई, आपके एफएस में आ गई। सही है, क्लियर है। आपको वापस कितने मिलेंगे, 5 लाख, 50,000 वापस। भैया 50,000 में खुद कह रहा हूँ तुम्हें एक्सपेंस आउट हो जाएंगे कितने सालों में, आओ एडिट करके देखते हैं। बहुत अटेंटिव, जब मैं कॉपी करने का बोलूंगा तब करना, वरना मिस हो जाएगा। इधर हमने एक शेड्यूल बना लिया भाई, ओपनिंग मैंने कहा कि भाई अगर 2018 की बात करूं मैं, सर ये रेट में फर्क ये तभी है, कूपन रेट तो फेस वैल्यू है बट IRR हमारे एक्चुअल इन्वेस्टमेंट पर है, तभी डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा। यानी ये तो बता चुका हूँ ना, तो अभी अभी इसको तो आगे चलने तो लेके ये बता चुका हूँ मैं, अभी अभी वापस से सब चीजें रिपीट होंगी, प्लीज साफ करना रोहान तुम्हें। इधर सुनना, इधर हमने कहा भाई मेरे पास ओपनिंग में 550 मौजूद है, सही है, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बुक करूंगा। सही है भाई, यार बहुत ही सुकून से सुनना ये बात, बिल्कुल बेसिक बेसिक से लेके चला, एक एक वर्ड समझाया, प्लीज सुनना, आगे सुनिएगा। मैं इनकम बुक करने लगा हूँ। अच्छा, मैं अपने बॉस से पूछ रहा हूँ, बॉस ये बताओ अपन तो 15% कमा रहे हैं, क्या रेट लगा दो 15%। इसने बोला यार कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहे हो, 15% नहीं कमा रहे, तुम कितना कमा रहे हो, तो तुम ये लॉजिक दो ना, क्यों कम कमा रहे हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यानी आप खुद अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि इस 10% के अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का इम्पैक्ट है। अच्छा, अब तुम्हें IFRS 9, प्लीज सुनिएगा, अब तुम्हें IFRS 9 एक बात कह रहा है, प्लीज सुनना IFRS 9 तुम्हें एक बात कह रहा है, प्लीज फोकस से सुनना। IFRS 9 तुम्हें ये कह रहा है आप इनकम तो रिकॉर्ड करेंगे बट वो इनकम नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। आप इनकम तो, अबे गेम तो बंद करो, कौन सी है इधर। अच्छा भाई, आप इनकम तो रिकॉर्ड करेंगे पर वो नेट ऑफ, या सर ये वाली बात नहीं समझ आ रही है, नेट ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैसे होगी, माइनस हो गए तो वो तो अमाउंट है ना, IRR भी दिया हुआ है। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप इनकम बुक करें पर नेट ऑफ। अब देखो, आप सुनो मेरी बात, दो अप्रोचेज हैं तुम्हें जो फॉलो करनी एग्जाम में, वो ये है, देखो दो, मैं तुम्हारी जगह होता ना तुम्हें दोनों करवाता, सही है सुनना। पर अभी अभी एग्जाम के परस्पेक्टिव के लिए मैं जल्दी करना ना, उसमें भी शॉर्टकट सीखे, इसमें भी शॉर्टकट्स हैं। दो तरीके होते हैं, इनकम पूरी पूरी बुक करो 15% पे, और फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अलग बनाओ कॉस्ट का। कितने शेड्यूल बनाने पड़ेंगे पेपर में, फिर एक ही सवाल करना ये, सही है। या तो एक तरीका है, एक ही इनकम बुक करो जिसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हुई भी है, IFRS आपको अलाउ करता है, और 99% कंपनीज यही करती हैं, तो तुम भी किस पे जाओगे, इसी पे। एग्जामिनर ने भी यही किया हुआ, तो क्या मैं पागल हूँ अलग अलग करूंगा, नहीं, हम एक ही अप्रोच पे। पर एक बात बताओ, दो तरीके, या तो 15% की पहले इनकम बुक करूं, फिर 5.4 समथिंग का एक्सपेंस बुक करूं, क्या ये सही है, या नेट इनकम जिसमें इनकम भी होगी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी, उसके अंदर क्या हुई भी होगी, नेट हुई भी होगी। पहले बताओ ऑनलाइन वाले, ये बात मेरी पिक हुई कि 15% की इनकम अलग से बुक करूं, एक्सपेंस का शेड्यूल अलग बनाऊं, फिर दो दो एंट्री बनेंगी, दो शेड्यूल बनेंगे, गलती के चांसेस ज्यादा। या तो अभी क्या है, एक ही। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि अब मैं ये सोचूं कि मेरा 550 का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ, ये मुझे कमा के कितना देगा, 15 या 10? तो सर आप सिंपल ये क्यों नहीं कहते हैं, मैं 10.9140 पे इनकम बुक करूंगा, 10.9140 इस 550 पे लगाएं, कितना आता है, 60? यही है। अच्छा भाई, अब प्लीज सुनिएगा, मैंने कहा मेरी कमाई इतनी है, एग्जाम में IRR दिया हुआ होगा, बिल्कुल दिया हुआ होगा, जानी अब्दुल बासित, इधर सुनिएगा, 60027 की मेरी इनकम है, सही है जी, सुनना। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ अपने बॉस को कह रहा हूँ, यार बॉस ये इनकम है हमारी, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये इनकम है। यार आइडियली मेरे ख्याल से, प्लीज आप साथ रहना मेरे,
5 लाख पे 15% लगाओ, ये तुम अटेंटिव रहना है, 5 लाख पे 15% 75,000। वेरी गुड, अब सुनना, 5 लाख का 15% बनता है 75,000। 75,000 आइडियली मैं कह रहा हूँ, आइडियली मेरी इनकम होनी चाहिए। हो कितनी रही है आपको बताऊं क्यों? क्योंकि वो जो 50,000 की एडिशनल कॉस्ट थी ना, उसका एक पार्ट एक साल में एक्सपेंस आउट हो रहा है। अलग से हो रहा है या इसके अंदर नेट हो रहा है? वही हमें पंचायत नहीं करनी, इसके अंदर नेट हो रहा है तो और आगे प्रूव हो जाएगा ना आखिर में जाके। पहले बताओ ये बात समझ आई? चले जी, अच्छा साल का आखिर आ गया, मैं इनकम की एंट्री बना के देख रहा हूँ, बॉस को देख रहा हूँ, बॉस मुझे देख रहा है, क्या देख रहा है? पैसे ले गया इधर, सुनना उसने बोला पैसे ले गया यार। मैंने कहा मैं क्यों ले गया, बैंक में आएंगे ना। मैंने जैसे ही बैंक स्टेटमेंट खोली उसके अंदर पैसे आए हुए थे 75,000 रुपये, उसमें 75,000 रुपये। हम खुश हो गए, अरे यार इनकम कम पैसे ज्यादा, तो लगाए गुद्दी पे चमार बॉस ने। उसने बोला चलती 50,000 तो पहले ही दे चुका है, उसका ही एक्सपेंस आ रहा है। तो मैंने कहा सर वो 75 क्यों देगा? तो बोलेगा तूने उसको दिए 5 लाख, वो बोलेगा तू अपनी अकाउंटिंग जो भी कर मुझसे कितने लेगा? 75,000 रुपये। मैंने कहा यार सर ये वाली बात नहीं समझ आई, फिर मैं वापस ऊपर चला गया यहाँ पे। मैंने ये कहा भाई कूपन किस पे लगेगा? कूपन किस पे लगेगा भाई? इसने तुम्हें खुद कहा था कि तुम मुझे 5 लाख रुपीज दो, मैं तुम्हें 15% का रिटर्न दूंगा। वो बोलेगा भाई मेरी जेब से तो 75 लेके जाओ, बाकी अपनी अकाउंटिंग जो भी करनी है तुम्हारा मसला है। मैंने कहा सही है भाई, तुम गुस्सा नहीं करो, मुझे कितने पैसे दे दो? 75,000। अच्छा आप प्लीज सुनिएगा मेरी बात बहुत फोकस के साथ, मैं यहाँ पे एक एंट्री बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2018 की। मैंने कहा मैं कैश ले आया सबसे पहले 70, या ऑनेस्टली अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बताओ यही पैसे आने थे? Yes, इसी के लिए इन्वेस्टमेंट की थी। Yes, और वो 50,000 कहाँ गए? वो बैंक कहीं चले गए, उसका अभी तक एक्सपेंस बुक नहीं हुआ। अच्छा जी मैंने काम किया सर, ये काम करते हैं आसानी के लिए, मैं काम ये करता हूँ इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड कर लेता हूँ। चलें जी, ये मैंने इनकम बुक की। यार मैं ये सोच रहा हूँ पैसे आने थे 75, इनकम बुक कर रहा हूँ 600, इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितनी अमाउंट कम से बुक कर रहा हूँ? 14973। ऐसा ही है, मैं कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट। अब ये बहुत टेक्निकल बात है, सुनना ताकि समझा के दिमाग में चिपका सकूं। पता है हुआ क्या? सुनना, तुमने 50,000 रुपए कहाँ के अप्लाई किए थे? अच्छा एक स्टेप पीछे आओ, एक और स्टेप पीछे आओ, तुमने 50,000 रुपए दिए कब थे? डे वन पे। इन्वेस्टमेंट में हो गए थे क्या अप्लाई? चले जी, आपने कहा था इन्वेस्टमेंट हो गई थी डेबिट, प्लीज समझना इन्वेस्टमेंट हो गई थी डेबिट, कैश हो गया था। अच्छा अब उस इन्वेस्टमेंट के दो कॉम्पोनेंट्स है, एक आपकी प्रिंसिपल वैल्यू, एक आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। साथ साथ बोलोगे एक आपकी मुझे इतना पता है कि आखिर में मुझे मेरी प्रिंसिपल वैल्यू तो मिल जाएगी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो अब वो होगी अमोर्टाइज। अब वो क्या होगी? अमोर्टाइज, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट में जो 50,000 रुपए है वो 3 सालों में 0 हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है? 50,000, वो आखिर तक आता है तो क्या हो जाएगा? वो 50,000 था क्या? ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो क्या होगा? एक्सपेंस आउट, स्ट्रेट लाइन पे या ओवर द पीरियड, किसके जरिए? और मैंने तुम्हें अभी प्रूव किया कि IRR जो तुम नेट बेसिस पे बुक कर रहे हो उसके अंदर तुम्हारी इनकम भी है और ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक अमाउंट भी है। क्या मैं तुम ये मुझे बता सकते हो कि उसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट का अमाउंट कितना है? 14973। साथ साथ बोलोगे 14, आसान अप्रोच नहीं है क्या यार? सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, यानी मैं ये कह सकता हूँ, अब सुनो, अब बातों बातों में तुम्हें एक वर्ड सिखा रहा हूँ। क्या मैं कह सकता हूँ मेरी एक साल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट 14973 अमोर्टाइज हुई है? 14973 क्या हुई है? अमोर्टाइज हुई है। अच्छा यानी मेरी कॉस्ट अमोर्टाइज हुई है, क्या हुई है? कॉस्ट अमोर्टाइज हुई है। अब एक एक करके सुनना, अब सुनना वापस से, आप प्लीज कैलकुलेटर पे 5 50 इसमें 600027 ऐड करें और 75 माइनस करें, 535027। आपने इसके अंदर 600027 ऐड किया और 75 लेस किया। अब ये क्लोजिंग कैसे आ रहा है ये प्रूफ कर रहा हूं। आप खाली 550 में से ये माइनस करते हैं, 550 में से ये माइनस करते हैं, यही आता है? अच्छा यानी अब एक पंच लाइन बोलने जा रहा हूं तो आपको समझ आएगा मैंने बताया क्या आपको पूरी क्लास में। सुनिएगा,
550 मेरी क्या थी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्या थी? ऑनलाइन में जल्दी बताओ क्या थी? 550 क्या थी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. अच्छा, इस कॉस्ट में से कुछ हो गया अमोर्टाइज, क्या हो गया? अच्छा जी, यहां पे लिख भी देते हैं, ये है कॉस्ट हमारी, सही है जी. इसमें से कुछ अमोर्टाइज हो चुका है, इसको क्या कह रहा है, यानी जो भी मेरी कॉस्ट थी उसमें से कुछ हुआ अमोर्टाइज, कुछ हुआ, तो जो बच गया उसका नाम क्या है? अमोर्टाइज कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो अमोर्टाइज होने के बाद बच गए, तो इस मॉडल का नाम क्या है? बात समझ आई? ये अमोर्टाइज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है कि जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी अमोर्टाइज होगी ओवर द पीरियड ऑफ, अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट अकाउंटिंग कराता तो तुम बोलते पता नहीं क्या चल रहा है, पर ये अमोर्टाइज कॉस्ट का मतलब समझ आया? यानी साथ साथ जो भी एडिशनल कॉस्ट होगी क्या होगी? पहले क्या होगी? कैपिटलाइज. पहले क्या होगी? और फिर क्या होगी? तो जो बच गया अमोर्टाइज कॉस्ट. कोई पंगा है इसमें? चलिए जी, ये तो पहला साल हुआ है, अब साथ साथ, यानी हम कह रहे हैं कि भाई आपने सिंपल एक काम करना है, इंटरेस्ट बुक करना है आईआरआर से, पैसे लेके आने कूपन से, साथ साथ इंटरेस्ट बुक करना है, पैसे लेके आने. लॉजिकल सी बात है, वो सामने वाला यही बोलेगा भाई तुम्हारी अकाउंटिंग जो भी अपने हिसाब से करो, मैं तुम्हें कितना दूंगा? 75. और सिंपल सी बात है, देखो लॉजिक भी लगाओ, 550 दिए, 5 वापस आएंगे, 50 नहीं आएंगे, तो 50 क्या होंगे? अमोर्टाइज होंगे, सही है जी. आगे देखें, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बनेगा? अच्छा, मैंने किया ये 535027. चलो मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, प्लीज फोकस करना है, मैं इस पे कितने परसेंट की इनकम कमाऊंगा? 15 नहीं, वेरी गुड यार, बताओ कितनी आ रही है? एक साथ ही नाच लिया भाई, 393. अच्छा ये आ गया 75,000. अच्छा अब इसकी एंट्री बना रहे हैं भाई, हम ये बनाएंगे 31/2019. कैश फिर कितना भाई? वो तो जो उसने एग्री किया है वही पैसे दे रहा है. अच्छा आप सुने, आइडियली मेरी इनकम भी 75 होनी चाहिए थी, किस वजह से नहीं है? ट्रांजेक्शन कॉस्ट. अच्छा जी, तो अब मैंने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का कितना एलिमेंट अमोर्टाइज किया वो तब पता लगेगा, पहले इनकम बुक करूंगा, क्योंकि वो उसके अंदर क्या हुई भी है? नेट हुई है. वेरी गुड यार, तो मैंने क्या किया? 58393. ये आ गया जी इनकम. यही है, ये आ गई भाई हमारी इन्वेस्टमेंट. अच्छा भाई, आप ये कह रहे हैं कि 14973 पहले अमोर्टाइज हुआ, 16607 इतना अमोर्टाइज हो गया, यानी 50,000 में से ये दो जा चुके. अच्छा एक्सपेंस बुक हुआ या इनकम ही नेट हो गई है? और खुद भी लॉजिक लगा लो, 10% यूज किया, नेट है ना वो, तो उसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी क्या हुई है? अच्छा ये स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ आपके सामने, सही है जी. आगे सर, हम इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट को अलग से एक्सपेंस नहीं दिखा रहे, इनकम आ रही है उसमें डायरेक्ट नेट करते हैं, क्योंकि IAS 1 आपको ये कहता है रेलेवेंट इनकम से रेलेवेंट एक्सपेंस माइनस होकर रिप्रेजेंट होता है, तो मैं अलग अलग करके माइनस करूंगा डायरेक्टली, आसान है, सही है जी. ओके आगे, अब मुझे एक बात बताएं, इसकी क्लोजिंग कितनी आ गई? 420. यह आ गया भाई 518420. अब शुरू हो गया 2020, फिर इनकम कमाऊंगा, कितनी आई? 56580. 75,000 आ गए, आखिर में बच गया होगा, आखिर में कितने बचे? ये कैसे बच गया भाई? तो ये वापस आएंगे ना, डेफिनेटली वापस आएंगे. अब आगे सुनिएगा सर, हमने एक एंट्री बनाई 31 December 2019 पे, 20 पे सॉरी. अच्छा भाई, आप कैश ले आए कितने का? 75 का. पहले तो ये इंटरेस्ट देगा ना, और ये कितना आ गया भाई? 56580. अच्छा वैसे ही अगर मैं आपको कंफर्म कराने के लिए, हो सकता है अकाउंटिंग गलत की हो मैंने, आप खाली 14937 16607 इसको ऐड करो, 50,000 आ गया.
यानी ये वो 50,000 है जो आपने डे वन पे क्या किया था, अब क्या हो गया, एक्सपेंस आउट। क्या एक्सपेंस आउट आपने किया या आईआरआर के जरिए हो गया? और आईआरआर ने काम ये किया है कि आपकी इनकम को नेट ऑफ करके रिकॉर्ड किया, वो नेट ऑफ अमाउंट आपकी क्रेडिट होते 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 आखिर में जीरो हो गई, और प्रिंसिपल अमाउंट आप क्या ले आए, वापस ले आए पैसे। तो सर आप देखते हैं वापस की एंट्री सिर्फ एक ही बनेगी आई थिंक, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट डिस्पोज किए या अपने पैसे रिडीम किए? कहानी खत्म। चलें जी ये प्रिंसिपल वापस आ गया, क्या मर्ज करके बना सकते हो, मेरी नजर में तो अलग ही बनाओ तो आसानी है, सही है इधर। अच्छा भाई अब प्लीज एक बात बताओ, प्लीज इसको टोटल करूं तो 2,25 है, ऐसा ही है? ये देखो एनालिसिस किए थे 2,25 है भाई, आप सबसे पूछ रहे हो 2,25 पैसे आए। अच्छा मैंने कहा था कमाऊंगा कितने, अच्छा अल्लाह करे सही हो, इन तीनों को ऐड करो, चेक कर लो एक बार, 1,75 है। अच्छा जी यानी सर मैंने डे वन पे ही असेसमेंट करके बॉस को बता दिया था कि भाई हम इतने कमाएंगे, कितने सालों में, आपके सामने की बात है पीएनएल में सिर्फ वही अमाउंट गई है जो मैंने सोची थी कि इतने कमाऊंगा, कितने कमाए, पैसे आए कितने, तो यार सर 2,25 आ रहे हैं 1,75 कैसे कमा रहा है, बाकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हुई है कितने सालों में। आप एक मजे की बात बताऊं, आपके पास नेट पैसे आए भी 1,75 ही है, क्योंकि 2,25 सामने वाले ने दिए, 50 आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट के दिए, नेट कितने आए 1,75, इनकम भी कितनी, कितने सालों में। ये था आपका अमोर्टाइज कॉस्ट, बात क्लियर है जी? सही है जी, अब इसको आप कॉपी कर लें, सही है जी, जल्दी जल्दी। सर हमने इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इसलिए की जो हमने रिटर्न मिला है वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से नहीं, फजल हमने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि उसी के अंदर शामिल है ना इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो हम उसको कम करते जा रहे हैं वो अदर पीरियड एक्सपेंस आउट होगा वो, सही है फजल? 58393 कैसे आया, कौन सा जानी, ये 535027 पे 10.9140% है। ओके जी डायरेक्ट निकालना चाहते हो, दो दो शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, तुम कहोगे तो अगली क्लास में वो भी करा दूंगा, वो एक्सेल पे करूंगा, ट्रैक कर लूंगा। 50,000 का तुम अलग रखोगे, सही है, 15% का और 10% समथिंग का डिफरेंस लोगे और उसको ओवर द पीरियड अमोर्टाइज करते रहोगे तो वो एक एक्सपेंस आता रहेगा, सही है? तो लंबी होगी, कहोगे तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा आज, वो देख लेना सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, सही है, करना नहीं एग्जाम में। सर पहले कैपिटलाइज करके फिर वो द पीरियड एक्सपेंस आउट किया है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं नहीं क्लास एंड नहीं हुई सर, अगर प्रीमियम पे किया होता। अच्छा एक बात सुनो, एक तुम बात बताओ, अब तुम्हें पे हो सकती है बात, जानी पहले सब बताओ, लिखो नहीं इधर, सुनो सब सुनो इधर, अगर प्रीमियम पे किया होता तो वो भी वापस नहीं मिलता, तो अब जो ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होता क्या सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती या प्रीमियम भी होता? और प्रीमियम कैसे होता कि आपका आईआरआर और भी ज्यादा कम होता, ऐसा ही है, वेरी गुड यार। इधर इंटरेस्ट की अमाउंट को आईआरआर से करेंगे एंड कैश की अमाउंट को कूपन से करेंगे, बिल्कुल सही है, इन शॉर्ट भावेश कह रहे हैं, वेरी गुड, इन शॉर्ट ऐसा ही है। तू रट्टा लगाएगा भंगी, इतनी नॉलेज दिए उससे नहीं जाएगा, ये बोल रहा मुझे अपनी स्थान लगाओ, अमाउंट कैसे चुकानी है इस पे या उस पे। इधर सर इंस्टॉल कर दूं, ये शेड्यूल कॉपी कर लें पहले। सर आईआरआर के रेट में सारे एडिशनल कॉस्ट का इंपैक्ट होता है, बिल्कुल होता है, देखो आपके सामने प्रूफ भी किया है, आईआरआर के अंदर सारी एडिशनल कॉस्ट का इंपैक्ट है जी, बिल्कुल बताया है। यानी ना अकाउंटिंग कैसे करेगा तू, हाँ जी फैक्ट्री में जी कॉल कर दूं भाई, ये शेड्यूल कॉपी हो गया सबका, कर रहे हैं ओके, एक मिनट देना बस जानी।
हो गया कॉपी। पिकनिक कर ले, पिकनिक कर लेते हैं, पर रमजान में कैसे पिकनिक करेंगे भाई, रोजे में कहां भागेंगे बीच पे। नाइस डीपी, शुक्रिया जी। ये इसने लाइव कमेंट दिया है, अब वहां पे नहीं करेगा ये, मेरे को पता है। पिकनिक करा देते हैं रमजान के बाद, पिकनिक इंशाल्लाह बोलते हैं सर, रमजान में पहले हम मतलब नेकियां कमा लें। नहीं, हमारा जो काशिफ है माशाल्लाह वो उम्रे पे जा रहा है ना, उसके बगैर मजा नहीं आएगा। उम्रे से आ जाए वो गुनाहों को पाक करके। फिर जीरो से शुरुआत करेंगे। हाँ नहीं आएगा, आई आर का परसेंटेज निकालने को नहीं आएगा, नवीन को आपको बता देगा। कैश 75,000, देखो 5 लाख रुपीज पे 15% कैश। जैन बिल्कुल ऐसा ही, अब्दुल गासिद। अच्छा मेरे को एक सवाल, अच्छा है तो सुनिएगा जानी, इन्होंने कहा कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो सर इक्विटी सिक्योरिटीज में भी होती है, पर वहां पे ऐसा सीन क्यों नहीं है, वहां पे क्या आपको ये पैसे वापस मिलते हैं और वहां पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता इसलिए, सही है, वहां पे कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है ना, यहाँ पे है। आपको पता है इतने टाइम की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये जो कैश का मतलब है वो आपका कूपन है, रिटर्न है, कैश ही है। हो गया जी कॉपी, ऑफ कर दें इतनी जल्दी 10 मिनट पहले। पर अच्छा एक शर्त ऑफ करूंगा, 2 सवाल करके आओगे होंगे, सही है, इसके बाद के 2 सवाल मैं भेज भी दूंगा, सही है जी, इसके बाद के डेट सिक्योरिटी। वो मैं कराऊंगा, पूरी बुक हम खुद करेंगे, ठीक है, नहीं ओहो हो चल जी, चल नहीं है। कल नहीं है क्लास जानी, कल नहीं, परसों से जाएगी जरूर, मैं पीडीएफ भेज देता हूँ, बिल्कुल क्लास में पूरा डिस्कस करेंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।